नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा SBI पर्सनल लोन के बारे में। आज मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा कि ये आपको किस तरीके से मिल सकता है, कितना अमाउंट है, जो भी कुछ आप जानना चाहते हो इसके बारे में। सबसे पहले आप ये समझिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पर्सनल लोन को एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन भी कहा जाता है। पर्सनल लोन आपको आपकी पर्सनल नीड्स के लिए मिलता है। इसका कोई भी पर्पस हो सकता है, आप अपनी शादी के लिए ले सकते हैं, घर में कोई फंक्शन है उसके लिए ले सकते हैं। बैंक आपसे इसका पर्पस नहीं पूछता, सिवाय यह है कि आप इसको स्पेक्यूलेटिव यानी मार्केटिंग में नहीं लगा सकते। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप जो एम्प्लॉई अगर आप स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो एलिजिबल हैं। अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिट जो प्रॉफिट मेकिंग है उसके एम्प्लॉई हैं तो एलिजिबल हैं। और कुछ सेलेक्टेड कॉरपोरेट्स जिनके सैलरी अकाउंट SBI में है तो आपको SBI से पर्सनल लोन मिल सकता है। SBI में कॉरपोरेट सैलरी पैकेज अकाउंट में आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। हो सकता है आपकी कंपनी 100-200 लोगों की हो लेकिन उसका बैंक से टाइप हो कॉरपोरेट सैलरी पैकेज के लिए, तो भी आपको ये लोन मिल जाएगा। आपका अच्छा सिविल स्कोर होना चाहिए, सिविल स्कोर में किसी तरह का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। आपको ये टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट लोन के फॉर्म में भी मिल सकता है। अगर आप टर्म लोन लेना चाहेंगे तो 25,000 से लेकर 20 लाख तक का मिल सकता है। ओवरड्राफ्ट लोन आपको 5 लाख से 20 लाख के बीच में मिल जाएगा। सिक्योरिटी इसके लिए किसी तरह की कोई सिक्योरिटी आपको बैंक के पास नहीं रखनी होती। EMI और NMI रेशियो मतलब जितनी भी आप टोटल EMIs दे रहे हैं और अपनी जो नेट मंथली इनकम है उसका रेशियो 50% के अराउंड होना चाहिए। अब ये किस तरीके से काम करता है, मान के चलिए आपकी 6 लाख की सैलरी है, एनुअल सैलरी, आपको हर महीने 50,000 मिलते हैं तो बैंक ये कहता है कि आप 25,000 तक मैक्सिमम EMI दे सकते हैं सब लोनों की मिला के। अब इसका जो टेन्योर है मैक्सिमम टेन्योर आपको 7 साल तक का मिल सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट SBI में 8-11% के बीच में वैरी करती है। ये डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर कितना है, आप अपने एम्प्लॉयर से चेकऑफ की फैसिलिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे। जनरली जितना भी डिफेंस के लोग हैं आर्मी के लोग हैं वो बैंक को चेकऑफ की फैसिलिटी देते हैं। एक तरह का फॉर्म होता है जिसमें आपका एम्प्लॉयर ये लिख के देता है कि अगर आप भविष्य में बैंक अपनी नौकरी छोड़ते हैं तो एम्प्लॉयर बैंक को इन्फॉर्म करेगा और बैंक से NOC लेगा। उससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 1.5 से 2% तक भी रिड्यूस हो जाता है। प्रोसेसिंग फीस लगभग 1.5% के अराउंड होती है। कई बार फेस्टिवल ओकेशंस पे प्रोसेसिंग फीस वेव भी होती है, तो इसके लिए एक बार आप जब भी लोन लें तो ब्रांच मैनेजर से संपर्क करें। सिविल स्कोर मैंने जैसा बताया था अच्छा स्कोर होना चाहिए और सिविल स्कोर 650 के ऊपर अच्छा स्कोर माना जाता है। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म, 2 फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16 या ITR रिटर्न पिछले 2 साल का, 1 साल का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, 3 साल की आपकी सैलरी स्लिप लेटेस्ट वाली, आपको ये चाहिए। अगर आप अपना लोन पहले क्लोज करा देते हैं तो आपको 3% प्री पेमेंट पेनल्टी भी फेस करनी पड़ सकती है, तो इसलिए प्री क्लोजर कराने के पहले एक बार ब्रांच मैनेजर से आप ज़रूर बात करें। आप डायरेक्ट ब्रांच में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं और सबसे अच्छा है कि आप योनो ऐप के माध्यम से पर्सनल लोन अप्लाई करें जो कि बहुत इजी और कन्वीनियंट है, जिसका ट्रैकिंग करना भी बड़ा आसान है आपके लिए। अगर किसी वजह से SBI आपको लोन नहीं दे रहा है, आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है, तो एक ऐप है ट्रू बैलेंस ऐप जिसमें आपको 50,000 तक का लोन बड़ा ईजीली मिल जाएगा। इस ऐप के लिए आपको सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट चाहिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड। सारा प्रोसेस डिजिटल है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस ऐप को इंस्टॉल करें तो आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस माफ़ कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, मेरे साथ कोई नए धंधे, आपको कुछ ऐसी पैसिव इनकम करनी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अच्छी खासी इनकम अर्न कर पाएंगे। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड और इनकम अर्न करने वाले सोर्सेस के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।